पुत्र की परिभाषा का भी वर्णन किया गया है। तीन तरह के तो होते ही हैं, एक है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा तो ना हो तो ही ठीक है, अधम का है उसे। माता पिता कुछ नहीं कह पाए, उनके हृदय की बात को समझ लिया, उसने काम पूरा कर दिया, पहले नंबर की संतान। दूसरा हुआ है जो कहने से कर दे, तीसरा हुआ है कि कहो तो अंगूठा दिखा के चला जाए, वो तो ना हो तो ही ठीक है। प्राणों की आहुति डाल करके भी माँ बाबूजी की सेवा होती है, सस्ती है। अब आप कहोगे कि माता पिता ना हो सेवा के लायक, प्रहलाद जैसा खतरनाक तो बाप किसी को नहीं मिलेगा। वह भी भगवान से वरदान में यही मांगता है कि मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, उसने यही मांगा। जिनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, माता पिता कहते हैं कि मेरा पुत्र तो श्रवण कुमार है, ऐसा ही बोलते हैं, श्रवण कुमार बोलते हैं। लेकिन माता पिता के परम भक्त तो प्रभु राम भी बहुत थे। कोई राम का नाम उतना नहीं लेता जितना श्रवण कुमार का नाम लोग लेते हैं माता पितृ भक्ति में। ऐसा क्यों? सुनिए, ऐसा इसलिए भगवान प्रभु श्री राम जी तो माता पिता के लिए सिर्फ गांव ही छोड़ पाए, नगर छोड़ पाए, लेकिन श्रवण कुमार ने माता पिता के लिए सिर्फ गांव ही नहीं अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। माँ बाबूजी की सेवा प्राणों की आहुति डाल करके भी होती हो, सस्ते। जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में वृद्धों के दुख को समझा जाता है, जहां वृद्ध सुखी है, तीन चार बातें, जहां वृद्ध सुखी है, जहां स्त्री प्रसन्न है, जहां बच्चे प्रसन्न है, कोई रोगी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, संस्कार, इन चीजों की कमी ना रहे, तब पता लगता है कि धरती प्रफुल्लित हो रही है, अपने आप गदगद हो रही है, हर्षित हो रही है, प्रसन्नोचित हो रही है। कमाल की बात कर दी, हाथ जोड़े का, मूर्ख बेटा नहीं, कृपा कर दीजिए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। भगवन देव देवे सहत्र पुरार्दन शंकर अयो निजम रत्वहीनम पुत्र इच्छामि सत्तमः। मैं इच्छा रख रहा हूं मृत्युहीन पुत्र मुझे मिल जाए, संस्कारित पुत्र मुझे मिल जाए, ये आप कृपा कर दें, आपकी महती कृपा होगी। भगवान शिव ने कहा एव मस्तु कहकर का, ऐसा ही पुत्र मैं स्वयं ही तुम्हारे यहां पुत्र बनकर आकर के प्रकट हो जाऊंगा। लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आई है, वो यह कि ईश्वर कभी किसी का कर्जा नहीं रखता, कहीं किसी का कर्जा नहीं रखता। ज्ञानेश्वर के यहां स्वयं भगवान आके सेवा करे और ज्ञानेश्वर समझ नहीं पाए। पुराण में यह बड़ी सुंदर बात कही है, ईश्वर आपके घर में पत्नी बनकर, स्वयं पति बनकर, स्वयं भाई बनकर, मित्र बनकर, रिश्तेदार बनकर, जो आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, आपने इस प्रकृति के लिए कुछ किया है तो परमात्मा ही कोई न कोई रूप धारण करके आपका सहयोग करने के लिए उतर के आया है, ये ग्रंथ कहता है।